हेलो नमस्ते आदाब बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लॉजिकल होगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा कि कैसे हमारे को ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के लिए, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो। तो देखिएगा, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होंगी इस अजम्पशन के साथ में होंगी कि हमारा जो करिकुलम है लगभग सेम रहा है जिस तरह मैं पढ़ा था उसके साथ में। तो IIT रुड़की में जब मैंने ज्वाइन किया था तो 17 जुलाई को मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी और लगभग 2 या 3 दिसंबर के आसपास मुझे लगता है कि एंड सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद में यू आर फ्री टू गो टू योर होम। तो देखिएगा, अगर मैं 17 जुलाई से अगर 3 दिसंबर तक के दिन काउंट करूँ तो लगभग आपके 135-140 डेज़ के आसपास आ जाएंगे। तो हो सकता है कोई कॉलेज 10 जुलाई को शुरू करे, हो सकता है कोई कॉलेज 1 दिसंबर को ही ख़त्म कर दे, तो वो रफली आप ले सकते हैं कि 140 डेज़ आपके एक सेमेस्टर में होने वाले हैं। मैं बात करता हूँ IITs में तो आपके 5 वर्किंग डेज होते हैं, मतलब आउट ऑफ 7 डेज ऑफ अ वीक आपको 5 दिन क्लासेस अटेंड करना होता है, सैटरडे एंड संडे छुट्टी पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं 5/7 यानी कि टोटल डेज़ का 5/7 डेज ही आपकी क्लासेस होती हैं। तो आपके पास टोटल डेज कितने हुए 17 जुलाई से 2 दिसंबर तक, लगभग 140। तो उसका 5/7 करते हैं, कितना आ गया 100 डेज। इसका मतलब 100 डेज आपकी क्लासेस होने वाली है। इसी बीच में दिवाली भी आती है, दिवाली में लगभग 7 से 10 दिन की छुट्टी होती है। तो आप अगर 7 से 10 दिन माइनस कर लें, तो मैं एक रफ आइडिया लेते हुए अपना 10 दिन ले लेता हूँ, तो 100 - 10 यानी कि 90 डेज की क्लासेस हमारी होने वाली है। अब खुद सोचिए, 90 डेज यानी कि लगभग 3 महीने। अभी करंट सिचुएशन में मान लीजिए अपना पेपर डिले होता है या नहीं होता है, जो कुछ भी हुआ, आई डोंट नो, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बता देगी कि पेपर डिले हो रहा है या नहीं हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हुए चलते हैं कि हाँ भाई पेपर डिले हो गया, डिले होता गया होता गया होता गया, मान लीजिए अक्टूबर हो गया, मान लीजिए नवंबर हो गया। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में सोच रहा हूँ कि हाँ मान लीजिए कि 1 दिसंबर को आप इस लायक हो चुके हैं कि आप कॉलेज जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल वर्स्ट देख रहा हूँ, शायद उससे ज़्यादा हो जाए, इससे पहले ही ख़त्म हो जाए, वी डोंट नो। तो 1 दिसंबर को जब आप कॉलेज जाते हैं तो 1 दिसंबर को नॉर्मली होता क्या था, छुट्टी होती थी, है ना, वो दिसंबर वाला पूरा महीना छुट्टी में जाता था। तो इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स, इफ़ IIT वॉन्ट्स, इफ़ NIT वॉन्ट्स, इफ़ मेडिकल कॉलेजेस वॉन्ट्स, तो वो जो दिसंबर का जो आपका सीन है जब छुट्टी वाला होता है, तो वो अपने नॉर्म्स में चेंज करते हुए वहाँ पर आपके क्लासेस को एडजस्ट किया जा सकता है। और आपको बता दूँ, हर सेकेंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के बाद में आपको लगभग 2 या 2.5 महीने की छुट्टी मिलती है। तो टोटल हमें एडजस्ट करने हैं 3 महीने, जो कि दिसंबर में 1 महीना एडजस्ट किया जा सकता है, और अगले आने वाली छुट्टियों में आपको एडजस्ट किया जा सकता है, लगभग 2 महीने एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो इफ़ दे वॉन्ट, आपके टोटल जो BTech होती है 4 साल, आपकी डिग्री के 4 साढ़े 4 साल जो नीट में होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में उस 3 महीने को एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात है नहीं, आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली पूरे देश को अगर लॉकडाउन कर सकती है, तो वहाँ पर इन नॉर्म्स को स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल चेंज कर सकती है। तो मेरा मानना यह है कि आपको अभी जो पैनिक वाली सिचुएशन हो रही है, अभी इस सभी चीज़ों से दूर हट जाएं। खासकर ये YouTube पर जो अभी सारा ये हो रहा है कि इधर पोस्टपोन होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ों पे अभी अपना ध्यान ना हटाएं। ध्यान दीजिए, यही आपका टेस्टिंग टाइम है, यही आपका कैलिबर चेक करेगा, मेंटल लेवल चेक करेगा कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं। एजुकेशन लेवल तो चेक करेगा ही, साथ ही साथ आपका इस सिचुएशन में आप किस तरह से इमोशनली स्टेबल रहते हैं ताकि आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें। तो ध्यान दीजिए, धोनी ने भी अपने जो भी अचीवमेंट किए हैं अंडर प्रेशर ही किए हैं, हमेशा कूल रहा है। तो आप भी, ये मौका है धोनी की तरह अपना बिहेवियर डेवलप करने का, कैप्टन कूल बनने का, और उसी चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हुए कि हाँ भाई जो भी हो रहा है ठीक है, पेपर होने वाले हैं, इस अजम्पशन के साथ में आप करो, अपनी तैयारी रखो, है ना। बाय चांस नहीं हुआ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो गया और आपकी तैयारी नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो पूरा लॉजिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली अब आप तैयार हो चुके होंगे। और मेरा मानना यह है कि खासकर अभी YouTube से दूर रहें, और अब मतलब क्लोज कर दी, वहां पर अभी पैनिक हो जाएगा, क्योंकि आप अभी सिचुएशन में ऐसे हैं, आप अभी बच्चे हैं, अभी पैनिक में आप आ जाएंगे। तो प्लीज मेरा मानना यह है कि अभी आपको पढ़ाई है तो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो जरूर देखिए, अभी इधर उधर की वीडियो ज्यादा उस पर ध्यान ना दें, आपका ध्यान भटकेगा, पैनिक में आ जाओगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी धोनी की अप्रोच है, कैप्टन कूल की अप्रोच है, प्रेशर में सही तरीके से काम करेंगे और अपने आप को प्रूव करके दिखा लेंगे कि हाँ यार कोई भी सिचुएशन हो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।